नाज़रीन इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिला रामबन से मौसूल हो रही है। नाज़रीन जम्मू और कश्मीर के रामबन में 7 न्यूज पोर्टल्स पर हुकाम ने जाली खबरें फैलाने की पादाश में पाबंदी लगा दी है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले, जम्मू और कश्मीर के रामबन में 7 न्यूज पोर्टल्स पर हुकाम ने जाली खबरें फैलाने की पादाश में पाबंदी लगा दी है। जम्मू और कश्मीर में अपनी नौवियत के पहले जिले इंतजामिया रामबन ने मुबैना तौर पर जाली खबरें फैलाने, सरकारी एहलकारों को मुबैना तौर पर हरासा करने और हुकूमत की शबिया को खराब करने के इल्जाम में 7 न्यूज पोर्टल्स पर पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम ने बताया कि यह पहला मरहला है और अगले मरहले में जो लोग हकीकी असनाद पेश करने में नाकाम होंगे उन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एसएसपी रामबन को हिदायत दी है कि वो इस हुक्म को सही मानों में नाफिज करें। इसी सिलसिले में हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे सीनियर सहाफी मीर मुदस्सर, इस वक्त जिला रामबन से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मुदस्सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एएनएन न्यूज में, बताइएगा क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने तफसीलात पूछी हैं इस हवाले से, तो मैं आपको ये बता दूं, जम्मू कश्मीर में ये पहला जिला है और पहली जिला इंतजामिया है जिन्होंने इस कदर ये हुक्मनामा जारी किया है। और वाजे तौर पे इसमें लिखा गया है कि ये जो सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत जिला रामबन के अंदर 7 जो न्यूज पोर्टल हैं उनको आज बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो 7 न्यूज पोर्टल्स थे ये सेल्फ स्टाइल्ड रिपोर्टर्स थे, इन्होंने अपने घरों में बैठकर ही ये जो माइक आईडी या फिर जो फेसबुक आईडी पे फेसबुक पेज बना लिए थे, जिसकी पादाश में ये ना सिर्फ लोगों को बल्कि जो अफसरान थे या फिर जो मुलाजमीन थे इन इलाकों में उनको भी हिरास करते थे। तो काफी वक्त से ये जो सिलसिला है ये चल रहा था, इनका ये जो न्यूज पोर्टल्स काम कर रहे थे इन इलाकों में। तो उसके बाद अचानक जिला इंतजामिया हरकत में आई और मई के महीने में जो 23 मई 2022 को पहला ऑर्डर जो है जिला इंतजामिया की जानिब से नशर किया गया, जिसमें लिखा गया कि जितने भी फेक न्यूज चैनल्स या फिर पोर्टल्स जो काम कर रहे हैं जिला रामबन के अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें ये भी लिखा था कि जो लोग अभी खुद ही बाज आना चाहते हैं तो वो घर बैठे या फिर वो कोई दूसरा काम करें, ये इस तरीके के काम में हाथ न डालें जिसमें वो लोगों को हिरासमेंट करते हैं। इंतजामिया में बैठे अफसरान जो भी हैं या जो मुलाजिम है दीगर महकमों के उनको हिरासमेंट करते हैं, तो ये चीज ना करें। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता गया तो एक महीने तक ये सारी चीजें देखते इंतजामिया भी देखते रही। तो उस वक्त जो यहाँ की जनरल मीडिया एसोसिएशन है, हमने बाजाबता तौर पे यहाँ वेलकम किया इस ऑर्डर को, ये जो हुक्मनामा जारी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक शख्स गलती करता है तो पूरी फ्रेटर्निटी पे जो है एक सवालिया निशान, एक डब्बा लग जाता है। अभी खबरें आ रही हैं, अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि ये जो नाम निहाद खुद साख्ता बने सहाफी थे ये ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हरासा करने में मुलव्वस हैं, यानी उनको धमकाने में मुलव्वस हैं, उनको बाकायदा धमकियां देते थे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा करेंगे, और इन्होंने बाकायदा अपने पास जो ये आईडीज बनाई थी अपनी, लेकिन जबकि इनके पास कोई डिग्रीज नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा, इसके हवाले से हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया, पिछले ही दिनों हमने देखा कि हाईकोर्ट के जरिए एक ऑर्डर किया आया, लेकिन उसके बाद कहा गया कि इनकी रजिस्ट्रेशन देखी जाएगी, इनके असनाद चेक किए जाएंगे, क्या जमीनी सतह पे इनको फिर वो चीजें जो है अच्छे से ये स्क्रूटनाइजेशन इनकी होती भी है या फिर ये बस ऐसे ही जो है बस हमें सुनी सुनाई बातें सुनने को मिलती हैं? देखिए, आपके सवाल में 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि डिग्री, देखिए अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है कि उसमें डिग्री चेक की जाए इंतजामिया की तरफ से कि कौन किस हद तक किसकी कौन सी डिग्री है और क्या पढ़ाई की है। जहां तक ताल्लुक है एक न्यूज चैनल का, जो एक न्यूज चैनल बाजाबता रजिस्टर्ड न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल को अगर कोई भी बंदा हायर करना है तो उसको वहां चाहिए एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या वहां जो डॉक्यूमेंट चाहिए इसकी किस नवियत की पढ़ाई हुई है, किस किस्म का इसने डिग्री की हुई है। तो ये तो न्यूज चैनल
की बात है, लेकिन जहां हेरासमेंट की बात आती है तो एक रिपोर्टर जब वो एक रजिस्टर्ड न्यूज चैनल के साथ काम करता है तो जाहिर है वो वहां से पैसे भी लेता है, न्यूज चैनल के हिसाब से कोई पैसा लेता है तो कोई महीना जो सैलरी है उसके हिसाब से काम करता है जिससे वो अपना गुजारा करता है, या एडवर्टीजमेंट चलती है तो एडवर्टीजमेंट में भी उसका हिस्सा दिया जाता है बाजाब्ता तौर पर, तो वो उन चीजों से अपना काम चला लेता है। लेकिन जो लोग सेल्फ स्टाइलेड है, जो एक गत्ते का पीस लेकर अपने घर में बनाएंगे उसके पीछे एक माइक आईडी लगाकर फोटो स्टेट कॉपी, मीर मुदस्सिर हमारे हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये कौन लोग हैं, यानी ये जो सेल्फ स्टाइलेड खुद साख्ता जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं आए रोज माइक आईडीज लेके घूम रहे होते हैं, ये कौन लोग हैं और कहां पे ये काम करते हैं, कौन सी जो कौन से इस पे पोर्टल्स पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, कहां पे काम करते हैं, इनके बारे में एक वाज़ह सी तफसील दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। ये देखिए खुशकिस्मती हम जैसे लोगों की है जो अभी रजिस्टर्ड न्यूज चैनल के साथ काफी अरसे से काम करते हैं जिला रामबन के अंदर, तो आपने जो सवाल पूछा मैं वहीं पे दोबारा आता हूँ, ये जिला रामबन का वाक्य है और ये सबसे ज्यादा जो वाक्य है ये तहसील पोगल परिस्तान का इलाका है। पहला नाम अगर मैं लूंगा तो एक लतीफ रजा नामी शख्स है जो संगलदान गूल एरिया से ताल्लुक रखता है, जो कोई यूनाइटेड न्यूज उर्दू पोर्टल चला रहा था। उसके बाद जो दूसरा नाम इसमें लिखा गया है वो है चरणजीत सिंह, ये उकड़हाल पोगल परिस्थान तहसील से है, ये वीडी न्यूज यानी कोई अपनी ही जो चैनल है फेसबुक पेज है अपने घर में बनाया हुआ है। तीसरा नाम मुबशर नजीर है, ये भी उकड़हाल से ताल्लुक रखता है तहसील पोगल परिस्थान, जिसने न्यूज वर्स इंडिया यानी एनवीआई के नाम से ये अपना पोर्टल चला रहा था। चौथा नाम है जुल्फकार भट्ट, ये संगलदान गूल एरिया से ताल्लुक रखता है, जिसका पोर्टल था करंट न्यूज ऑफ इंडिया। पांचवा नाम था सजाद रोडियाल, ये मल्लीगाम पोगल परिस्तान तहसील से ताल्लुक रखता है, जिसके चैनल का नाम था न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया। और छठा नाम है परवेज भट्ट, जो राजगढ़ तहसील रामबन जिला रामबन का है, टुडे न्यूज लाइन के नाम से पोर्टल चलाता था। और सातवां नाम नहीं आया है क्या नाम है इसका, लेकिन ये बंदा जो है GHRT न्यूज पोर्टल चलाता था, जो संगलदान गूल जिला रामबन का रहने वाला है। अभी तो सिर्फ सात लोग हैं, इसके बाद भी जो हिदायत दी गई है, हालांकि ये कागजात जो है भेजे जा चुके हैं SSP साहिबा रामबन को कि आप मजीद इसकी स्क्रूटनी करें, जिस किसी का भी अथॉरिटी लेटर आप देखिए, अगर मैं किसी चैनल के साथ काम करता हूँ मेरा बाजाबता नेशनल चैनल का अथॉरिटी लेटर है, उनका आई कार्ड है, उनकी सैलरी स्लिप है बाजाबता तौर पर, इसी तरीके से जैसे बाकी न्यूज चैनल वाले हैं जो नेशनल मीडिया साथ काम करते हैं पिछले 20-20 सालों से 15-15 सालों से, तो वो डटे हैं अपने काम में। और बड़ी बात ये होती है कि एक मैं आपको जनरल बात बताऊंगा, एक जर्नलिस्ट का ये काम होता है कि वो दोनों चीजें सामने रखें, टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड और बैड उसके सामने होनी चाहिए, और दूसरी बात उसको ये होना चाहिए कि वो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है कौम के लिए, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नहीं मुदस्सिर, दरअसल बात यहाँ समझ नहीं आती कि लोगों को इतना क्या हो गया है कि बस सहाफी बनने का इतना जुनून सवार है कि बस सबको सहाफी बनना, हर घर से सहाफी, बस सहाफी लोगों को बनना है, इतना भी क्या जुनून सवार है सहाफत में, ऐसा रखा क्या है, लोगों को क्या समझ में आता है कि सहाफत क्या कोई, यानी कि क्या कोई खेल है, ये क्या ऐसे ये कोई लड्डू बर्फी है जो कहीं पे भी मिल जाती है और सबको माइक हाथ में उठाना है और सहाफी बनना है। ये एक्चुअली उस बंदे के लिए जिसके जहन में ये है कि एक सहाफी बनना है मुझे, उसके लिए ये सिर्फ एंट्री और एग्जिट है, यानी एक्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन तक। अगर वो बाकी काम करता है कोई बिजनेस के रिलेटेड है, कोई किसी और रिलेटेड है उसमें, वहां पर उसको एक्सेस मिलती है, यानी एक दबाव रखने के लिए अफसर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे या जो उसके बिजनेस के साथी हैं उन पर दबाव बनाने रखने के लिए ये सब चीजें की जाती है। हमने अक्सर देखा, एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, एक शख्स ने मुझे फोन करके बोला, नाज़रीन हमारे सुन रहे होंगे, एक शख्स ने मुझे फोन करके बोला, कहा मेरे बेटे ने फोन लिया है, एंड्रॉइड फोन लिया है, आप उसको कहीं मीडिया में लगा दो। यानी उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके पास भी एंड्रॉइड फोन है वो बंदा मीडिया में काम कर सकता है, वो साफ ही बन सकता है, चाहे फिर वो गालियां ही क्यों ना पड़े, चाहे फिर वो एक घर में जो लड़ाइयां हैं वो इस पोर्टल पे क्यों चलाए, किसी चैनल पे चलाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। और अक्सर हमने देखा है
सहाफियों में भी अब जो इरेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल रही है, अगर हम लोग किसी इलाके में जाते हैं कोई खबर के लिए, पब्लिक ग्रीवेंस है, वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचाते क्योंकि हम उस अफसर तक बात ही नहीं पहुंचाते। हमने वहां से वो लाई वो खबर और हमने पब्लिक की बाइट करी, उसके बाद हमने वो डायरेक्ट टेलीकास्ट की, जो बिल्कुल गलत है, जो एथिक्स के खिलाफ है। बल्कि हमारा काम ये था, अगर हम किसी भी इलाके में जाएं, हमने कोई खबर की, भले ही वो पावर के रिलेटेड हो, भले ही वो पानी के रिलेटेड हो या सड़क के रिलेटेड हो, हमारा काम होता है हम उस इलाके में जाकर फिर जो भी मसला हो उसके जो अफसर हैं उस तक ये बात पहुंचाए, उसका इंटरव्यू करें, उससे जो है वो ले लें ताकि उसके बाद पता चल जाए, अफसर को भी ये नॉलेज में आ जाए कि फलानी इलाके में कोई काम है। लेकिन हम लोग उसका वर्जन भी बाकायदा लोगों के सामने आए कि उसका क्या रद्द अमल है और वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, यानी कि दोनों साइड की स्टोरी सामने आए। बिल्कुल, दोनों चीजें जो है वो सामने रखनी है, ये हमारा इथिक्स बोलता है। इथिक्स ये नहीं कहता कि आप ऑन साइड करो, ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फेल है, फिर ये दुनिया किस तरीके से चल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही सारे काम कर रही है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कहीं पर परेशानियां हैं, जो कुछ ऐसे गड्ढे हैं जो अभी भरने की जरूरत है, उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन एक सहाफी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक अदब का काम है, ये अदब से सहाफी नाम निकला है, अब इसको अदब के साथ जोड़ा गया है। हम इसमें ऐसी चीजें चलाएंगे, ऐसी भयात बातें बोलेंगे, ऐसी खबरें चलाएंगे जो कहीं जिनका कुछ नाम कोई अता पता नहीं होगा, जिनका ना सर होगा ना पैर होगा। तो जाहिर सी बात है, इंतजामिया में बैठे अफसरान कोई छोटे बच्चे तो नहीं है, उन्होंने पढ़ाई करके ये कुर्सी हासिल की है, तो उनके पास भी पावर्स है मुदस्सिर देखने के लिए। जी मुदस्सिर, ये जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन जो है उनकी तरफ से एक बड़ा ही खुश आइंद कदम है और लोग इसका कदम की बड़ी सराहना भी करते हैं क्योंकि आम लोग भी परेशान हो गए हैं। देखिए, आपको पता है एथिक्स ये बोलता है कि अगर आप कोई मीडिया से ताल्लुक रखता है और वो किसी आम पब्लिक से बात करना चाहता है और वो आम बंदा उसे बात करने के लिए वो तैयार नहीं है, इजाजत नहीं देता, तो उस पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन ये भी देखने में आया है कि मीडिया वाले जो है माइक क्लिक के उनके मुंह के नीचे घुस जाते हैं, नहीं आप बोलिए, और वो इतना ऑफेंड हो जाते हैं, इतना बुरा महसूस करते हैं कि हमें कैमरा पे नहीं आना था लेकिन इन लोगों ने हमें कैमरा पे लाया है, तो उस वजह से भी कई लोग जो है जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं क्योंकि एथिक्स की कमी है, एथिक्स के बारे में जानते नहीं है, इस वजह से ऐसी गलतियां कोताहियां जो है कर जाते हैं। तो इस हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन जो है उनका एक खुश आइंद कदम है। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में हमें श्रीनगर और बाकी जो अजला हैं वहां से भी ऐसी खबरें मौसूल होंगी कि वहां भी ऐसे ऐसे पोर्टल्स हैं, फेसबुक पोर्टल्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं जिन पर पाबंदी लग सकती है? देखिए मैम, इन चीजों की बहुत जरूरत है। आपने जिस तरीके से पूछा कि क्या श्रीनगर, जम्मू या फिर बाकी जो अजला है वहां पर ऐसे जो काम है वो करने चाहिए इंतजामिया को, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, ऐसी चीजें होनी चाहिए और हर जिले में होनी चाहिए। आप देखिए हमारे जो ये पोर्टल्स, रिपोर्टर्स हैं जो पोर्टल चला रहे हैं, जो सेल्फ स्टाइल्ड है, अगर कहीं पर कोई हादसा हो जाता है वहां पर किस तरीके की पिक्चर्स वो लेते हैं और वो सीधा अपलोड करते हैं, उनको सेम एज इट इज जो वो पिक्चर होती है, जो कि एथिक्स के खिलाफ है, जो कानूनन भी जुर्म है। और कहीं ऐसे गांव में घरों में घुस जाते हैं, आपको बाजाबता पहले परमिशन लेनी है, जो चीज हम में नहीं है, जो ये पोर्टल्स वाले देखते नहीं है। और हमारे कुछ रिपोर्टर लोग भी ऐसे ही अब हो चुके हैं और कई रिपोर्टरों से हमने बात भी की, वो कहते हैं कि ये सब चलता है क्योंकि जो पोर्टल वाले को किसी ने नहीं पूछा तो चैनल वाला सोचता है कि मुझे कौन क्या पूछेगा। अब कई लोगों का ये मानना था कि ये जो पोर्टल वाले लोग हैं ये उन इलाकों की खबरें निकालते हैं जहां अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते। दरअसल बात यह है कि जो अच्छे रिपोर्टर हैं वो आलसी हो गए हैं आजकल, वो घरों से निकलते नहीं है, वो कॉपी पेस्ट करते हैं, इन पोर्टल्स के स्टाफ जो काम करते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, फिर उनसे वो कॉपी पेस्ट विजुअल्स लेते हैं, फिर अपने चैनल वालों को सेंड करते हैं, उनको आसानी हो जाती है, इसलिए इस तरीके का सपोर्ट जो उनको मिलता है। तो हम ये चाहेंगे और मैं बहुत पर्सनली खुश हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन का, मुशरफ इस्लाम का, इंतजामिया का और पुलिस जो SSP साहिबा हमें मोहिता शर्मा जी है उनका, कि उन्होंने ये एक पहला स्टेप उठाया और ये चीजें, हालांकि अभी और भी स्क्रूटनिंग होनी बाकी है, और भी मजीद लोग हैं जो प्रॉक्सी काम करते हैं, यानी अगर कोई शख्स जम्मू का रिपोर्टर है उसने अपनी जगह यहाँ पर प्रॉक्सी रिपोर्टर रखा हुआ है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
वो एक माइक आईडी लेके काम करता है और सारी जो भी काम वो करता है वो सारा उस शख्स को सेंड करता है और बीच में एक ब्रिज रखा हुआ है, तो उन चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अखबारों के जो अथॉरिटी लेटर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं, काम वो कर रहे हैं न्यूज चैनल के साथ, जिन्होंने न्यूज चैनल के अथॉरिटी लेटर्स दिए हैं और काम करते हैं वो अखबारों के साथ, तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। जिस शख्स ने जिस भी चैनल का या जिस भी अखबार रजिस्टर्ड का जो आरएनआई रजिस्टर्ड होगा उसका जो अथॉरिटी दिया है तो उसको उसी चैनल के साथ काम करना पड़ेगा, उसी इदारे के साथ काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा न किया तो शायद उन्हें सलाखों के पीछे जल्द ही जाना पड़ेगा। आज जो ये फैसला जिला रामबन के अंदर हुआ, भले ही शुरुआत रामबन से हुई क्योंकि बहुत सारी बातें पहले भी हुई, ये टैग लगा रामबन जिला के अंदर मीडिया के ऊपर कि यहाँ की मीडिया जो है वो ब्लैकमेलर्स हैं, वो हिरास करते हैं अफसरों को भी मुलाजिमों को भी, भले ही हमने वो ताने भी सुने, यहाँ के रिपोर्टरों ने वो सब कुछ सुना, लेकिन आज जो फैसला इंतजामिया का आया वो बहुत दुरुस्त है। आप देखिए सैकड़ों की तादाद में आज पोर्टल्स बने हैं, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, बडगाम हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, रामबन में आप देखिए हर जगह इस तरीके की जो मशरूम ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। ये बताइएगा मुदस्सिर, इसकी वजह से हम जैसे जो सहाफी हैं, हम जैसे सहाफियों पर कैसा असर पड़ता है, मनफी असर पड़ता है काफी, तो आप कैसे देखते हैं? जी हमने जिस दिन ये मई के महीने में ऑर्डर निकला जिला पंचायती कमिश्नर की जानिब से, तो मैं एक ऑफिस में गया, एक गाइड करना था मुझे जिला अफसर का, उन्होंने मुझे पहले ये चीज बताई क्या आपके खिलाफ भी ये ऑर्डर है, क्या आप भी देखें। फिर मैंने उनको एक अथॉरिटी दिखाई मेरे फोन में है, मैंने अथॉरिटी लेटर दिखा के उनका जो वर्जन है वो किसी मसले को लेकर था, मैंने वो लिया, मैं नाम नहीं लूंगा अफसर का, हालांकि इंतजामिया में भी वो खबर फैल गई कि ये लोग जो है ये फेक है, लेकिन आज जिस तरीके से भाई नेम जो है इन लोगों को बाहर वाजे तौर पे इनकी तफसीलात फराम की गई और बाकायदा एसएसपी को भी हिदायत जारी की गई है कि इनको जो है इन पर जल्द अज जल्द पाबंदी लगाई जाए, बैन लगेगी और ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये पहला मरहला है, ये भी कहना है जिला तरक्याती कमिश्नर का, ये पहला जिला है जिसने इस नवियत का फैसला लिया है। जी पहले अफसर है जिन्होंने इस तरीके की कार्रवाई जो है की जिले के अंदर, जी तो इससे लोग भी खुश है, इससे मुलाजमीन भी खुश है और खासतौर पर जो मीडिया फ्रेटर्निटी, जनरल मीडिया फ्रेटर्निटी रामबन की है वो बहुत खुश है इस इंतजाम के इस हुक्मनामे से। मुझे ये बताइएगा मुदस्सिर, इसकी वजह से मतलब बाकी मेरा सवाल फिर से आपको वही रहेगा कि जो बाकी सहाफी हैं, जो असल में जिन्होंने सहाफत की डिग्रियां हासिल की हैं, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत करते हैं और बाकायदा एथिक्स के साथ चलते भी हैं और अच्छे यानी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम भी कर रहे हैं और अपना काम बाकायदा ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो उन पर इन जैसे लोगों की वजह से कैसा असर पड़ता है और इंतजामिया को, गवर्नर को क्या करना चाहिए, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को क्या करना चाहिए इस हवाले से, क्या ऐसा इकदाम उठाया जाना चाहिए ताकि इन पे रोक लग जाए जो ये आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, आए दिन हर नया पे जो है खुद को जो न्यूज एजेंसी समझ रहा होता है। देखिए सबसे बड़ी गलती अगर है तो ये चिल चैनल वालों की है, जो चैनल्स हायर करते हैं ऐसे रिपोर्टरों को, ऐसे लोगों को जिनको अलिफ बे की पता नहीं है, जो अंगूठा छाप लोग हैं उनको ये पता नहीं होते, वीडियो कोई भी उठा सकता है, आज सबके पास एंड्रॉइड फोन है तो पूरी दुनिया आज जर्नलिस्ट बनी हुई है, आज कहीं पर भी कोई भी कुछ मामला हो जाता है तो 10 सेकंड के अंदर वो सारी चीजें वायरल हो जाती है, लेकिन न्यूज चैनल्स जो है, जो बड़े चैनल्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी और जिम्मेवारी भी बनती है कि जब वो उनके जो एचआर डिपार्टमेंट है, जब वो हायर करें किसी भी शख्स को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, किसी भी जिले में, किसी भी इलाके में अगर वो हायर करें, वो पहले उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उनका कैरेक्टर चेक करें, उनकी सारी चीजें वो चेक करें, उनकी काबिलियत क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बाद वो उनको हायर करें ताकि ये जो मशरूम ग्रोथ या इन जिलों के अंदर, इन शोबों के अंदर हो रही है इस पर रोक लग जाए। रहा सवाल जिस तरीके से सरकार पर आपने बात की कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए, अगर ऐसे लोगों पर बैन लगा दी है इंतजामिया ने, अगर ये फिर इस तरीके की कार्रवाई में दिखे तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ जेल होनी चाहिए, ताकि जो बाकी लोग आने वाले होंगे इस तरीके से फेक तरीके से या सेल्फ स्टाइल, वो भी कोई दूसरा काम करेंगे, ना कि इस सहाफत का रास्ता चुनेंगे। सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पर ये मानते हैं कि एक न्यूज चैनल की है,
जो न्यूज चैनल जब हायर करता है उसको चाहिए। मुदस्सिर, ये तो बात रही न्यूज चैनल की, कुछ लोग तो खुद से ही खुद साख्ता, यानी वो किसी न्यूज चैनल के अंदर काम नहीं करते, खुद से ही जो है जर्नलिस्ट बने हैं, खुद से ही उन्होंने अपना ही बना लिया है पोर्टल, अपने फेसबुक पोर्टल्स बना लिए, पेज बना लिए, जो किसी के अंडर काम नहीं करते, उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उनके लिए ऑर्डर बाजब्ता होना चाहिए, सरकारी सतह पर एक ऑर्डर निकलना चाहिए कि जो भी सेल्फ स्टाइल्ड है, विदाउट रजिस्ट्रेशन है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनको एक ऑर्डर निकलना चाहिए सरकार को। इसमें जो आम जर्नलिस्ट है, जो जनरल लोग काम करते हैं, उनकी एक हिसाब से मदद करनी चाहिए ताकि ये जो मशरूम ग्रोथ है, ये जड़ से इसको बाहर फेंका जाए, ताकि जो सहाफी, अच्छे सहाफी जो काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, फॉर द वेलफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छाई भी दिखाते हैं, जहां पर कहीं पर परेशानी है लोगों को, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, उनको काम करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये एक ऑर्डर जरूर, अगर सरकार कुछ करना चाहती है, अगर सरकार को चाहिए कि वो हमारी मदद करे, तो उनको ऐसा कानून बना लेना चाहिए इस तर्ज पर कि यहां जो इन फेक जो सेल्फ स्टाइल्ड लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ जो है बैन का ऑर्डर निकालना चाहिए, ताकि दोबारा जो है ऐसी हरकत, ऐसी कार्रवाई ना हो, और जो लोग अच्छे से काम करते हैं ग्राउंड पर, वो अच्छे से जो है सहाफत का काम अंजाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीर मुदस्सिर। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफी मीर मुदस्सिर, जो जिला रामबन से हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।